नमस्कार, मैं हूँ गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाल द्वारा मोदीनगर शहर के शक्ति केंद्र बैंक कॉलोनी में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अध्यक्ष मनोज एवं अनुज गर्ग आदि लोग उपस्थित रहे। गाजियाबाद में घर के बाहर साइकिल चला रहे 6 साल के बच्चे को मिनी ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली इलाके की घटना। गाजियाबाद के क्राइम ब्रांच व थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा थाना नंदग्राम क्षेत्र में हुई ₹44,93,000 की लूट का खुलासा। इस मामले में 4 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से लूट के 22,47,000 रुपए बरामद। लूटी गई स्कूटी व अवैध असला बरामद। खुलासा किया है, क्या निकला है उसमें? देखिए, 19 तारीख को शाम को एक फरमान मलिक और आसिफ TUV गाड़ी में जा रहे थे। 3 नाकापोश बदमाश जो है TUV को रास्ते में ही रोक के शीशा तोड़ के कट्टा लगा के एक पैसे से भरा हुआ बैग लूटे थे, जिसमें 44,93,000 पैसे थे। तो चलते वक्त एक मोटरसाइकिल उन जो यूज़ कर रहे थे वो ख़राब हो गया था, तो रास्ते में एक और स्कूटी इन्होंने भूपेश नाम के व्यक्ति से लूटा और वहाँ से फरार हुआ। गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर महोदय द्वारा कई सारे टीम्स गठित किए गए थे DCP सिटी के नेतृत्व में, जिसमें एक अहम सफलता आज सुबह मिली है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए हुए हैं और घटना में जो लूटे हुए रकम 22,47,000 बरामद हुए हैं और लूटी हुई स्कूटी भी बरामद हुआ है। और जिसमें जो पकड़े गए मुलजिम में आतिफ यूसुफ है, आमिर है, नदीम है और दानिश है। घटना के क्रम ऐसा है कि इन्होंने जो आतिफ उर्फ यूसुफ है, वादी फरमान मलिक का खास दोस्त था। फरमान की जितने भी पैसे की लेन देन, बिजनेस डीलिंग्स और पैसे की मूवमेंट सब कुछ ये जानता था, इसलिए इसने टीम इकट्ठा करके इन्होंने रेकी किया है और लूट का अंजाम दिया है। लूट में पर से जो इन्वॉल्व है वो रेकी में काफ़ी लोग इन्वॉल्व है। मोटरसाइकिल में 3 लोग जो है उनमें से 2 गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसके नाम है आतिफ उर्फ यूसुफ है और आमिर है। कट्टा सर, किस तरीके से इन्होंने जो रिसोर्स चाहिए थे लूट के लिए वो किस तरीके से इन्होंने इंतजाम किए थे? बताया जा रहा है कोई बाइक भी चोरी की थी, साथ में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना था, कौन कंटीमेट पिस्टल लाया था, ये सब सब जानना चाहेंगे। हाँ जी, क्योंकि ये सब लोग पहले से कैश मूवमेंट जानते थे, तो खुद ना लूट कर दूसरे एक अपने साथियों की मदद लिए हैं। एक नोएडा से इसी पर्पस के लिए एक मोटरसाइकिल चोरी करवाया गया था, जो कि दानिश को कॉन्फिडेंस में लेके कराया गया था और इन्हें पता भी था कि ये लूट के लिए इस्तेमाल होने वाला है। साथ अपने जो साथ एक आमिर नाम के लड़के को शामिल करने के लिए और एक अवैध तमंचा लेने के लिए उन्होंने नदीम और आरिफ नाम के 2 सगे भाइयों को इस्तेमाल किया, जिसमें नदीम गिरफ्त में है और इन सभी के कस्टडी से 22,47,000। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।